तो गाइज आइए और जानते हैं अब सोनपुर रेलवे स्टेशन के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में। तो बस गाइज आप बने रहे मेरे साथ। तो गाइज मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लुक पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है। तो हे गाइज स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और गाइज इस वक्त मैं आ गया हूँ बिहार के सोनपुर जंक्शन यानी सोनपुर रेलवे स्टेशन पे। तो इस वक्त मैं सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ओवरब्रिज पे खड़ा हूँ और आज मैं आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस सोनपुर रेलवे स्टेशन के बारे में। बहुत कुछ चेंज हुआ है इस सोनपुर रेलवे स्टेशन पे, सब कुछ अभी नया बनाया जा रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम अभी यहाँ पे अभी चल रहे हैं। तो बस गाइज आप बने रहे मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो भाई ये आप देख सकते हैं अभी ये कुछ नया नया कंस्ट्रक्शन इधर हुआ है, नया नया बना है, ये ऑटो स्टैंड है। और इस साइड में आप देखिए इस ओवरब्रिज का यूज़ करके भी आप जंक्शन पे जा सकते हैं, सोनपुर जंक्शन पे जा सकते हैं। और सामने से होगा मेन गेट जो पहले से था, हालांकि ये अभी नया नया बन रहा है, आप अभी देख सकते हैं ऊपर में भी काम अभी चल रहे हैं इधर। तो ये कुछ नया प्रारूप तैयार हो रहा है सोनपुर जंक्शन का। और इस साइड में आगे में आपको केंद्रीय विद्यालय भी दिखाई देगा, केंद्रीय विद्यालय सोनपुर, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। गाइज हेयर इज़ द बोर्ड ऑफ रेलवे स्टेशन सोनपुर, मतलब पूरा लुक चेंज कर दिया गया है यहाँ का। तो भाई अभी हम हैं सोनपुर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर और ये बाहर का लुक आप देखिए एक बार। तो यहाँ पे ऑटो वगैरह हमेशा आपको मिलेंगे इस रेलवे स्टेशन के। और इस साइड में आप दो दो ATM देख सकते हैं, एक SBI का ATM और एक IDBI बैंक का ATM आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पे आपको सामने बोर्ड में दिखाई दे देगा कि कौन सी ट्रेन कितना बजे निकलेगी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे इन कीजिएगा आपको राइट हैंड साइड की तरफ सुधा का कॉर्नर दिखाई देगा जहाँ से आप कुछ परचेज कर सकते हैं, सुधा का आइटम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये सहयोग है, यानी यहाँ पर आप कुछ आके ट्रेन के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। और इस साइड में आप देखिए यहाँ पे आपको टिकट्स काउंटर वगैरह मिल जाएंगे, जो कि अभी फ़िलहाल तो कुछ इधर काउंटर बंद है और कुछ काउंटर्स इधर हैं जो ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, बैठने के लिए पूरी तरह से जगह है। और सामने में इधर आप शौचालय भी देख सकते हैं पुरुष के लिए और यहाँ पर महिला के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पर आपको शौचालय की व्यवस्था मिल जाएगी। यहीं पे आप देख सकते हैं ये मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा मोबाइल चार्ज करने के लिए। बाहर में आपको साइड में दो दो ATM दिखाई देंगे, एक IDBI बैंक और एक SBI का ATM। और यहाँ से ओवरब्रिज, तो ओवरब्रिज से चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 एवं 3, 4 जाने के लिए आप इधर से जा सकते हैं। और यह दक्षिणी निकास यानी ये साउथ साइड है। तो चलिए फटाफट से अब ऊपर चलते हैं। तो ये न्यू लुक होगा, बिल्कुल नया लुक बन रहा है इस स्टेशन का। ये आप देखिए अभी काम यहाँ पे चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और इधर में भी आप देखिए कुछ शेड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इस सीढ़ी से भी आप जा सकते हैं, हालांकि ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। सामने में लिखा हुआ भी है कार्य प्रगति पर, असुविधा के लिए खेद है, ये 1 नंबर पर ट्रेन आके लगी हुई है। तो गाइज मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लुक पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है सोनपुर जंक्शन का। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यह जो सोनपुर रेलवे स्टेशन है ये भारत के बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित एक रेलवे जंक्शन है। और इस स्टेशन का स्टेशन कोड SEE है, यानी SEE इस स्टेशन का स्टेशन कोड है। तो फिलहाल मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ ऊपर से, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और 8 ट्रैक्स हैं, यानी 8 पटरियाँ और 4 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। ये आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, उस साइड में आप 2 नंबर। और ये देखिए ओवरब्रिज, देखिए कितना लंबा ओवरब्रिज है यहाँ का। और इस साइड से आप इस तरह का कुछ नज़ारा देख सकते हैं, इधर आप काम वगैरह होते हुए देख सकते हैं।
तो यहाँ पे दो दो ओवरब्रिज दिखाई दे रहे हैं, एक उस साइड में भी ओवरब्रिज आपको दिखाई देगा जो कि अभी नया बना हुआ है, वरना पहले सिर्फ ये ओवरब्रिज था पुराना वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म एक और दो के लिए आपको यहाँ से नीचे उतरना होगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये लुक देखिए, ये एक नंबर और दो नंबर प्लेटफॉर्म के लिए, और उधर से भी एक ट्रेन निकल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के लिए आपको इस साइड जाना होगा, इस साइड के तरफ, और बुकिंग एवं आरक्षण कार्य के लिए आपको इस साइड में जाना होगा, उत्तरी निकास के तरफ इस साइड जाना होगा। एक और दो नंबर प्लेटफॉर्म के लिए चलेंगे इस साइड। तो सामने में आपको कुछ फूड स्टॉल भी दिखेंगे, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्टेशन को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखा गया है। 4:53 अभी यहाँ पे हो रहे हैं, और बैठने के लिए भी पूरी व्यवस्था है इस स्टेशन पे। पीने का पानी भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सोनपुर घाघरा और गंगा नदी के पास स्थित है, और इस स्टेशन का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है भरपूरा पहलेजा घाट, जिसकी अप्रॉक्स डिस्टेंस 5.5 किलोमीटर है। और दूसरा जो रेलवे स्टेशन है वो है हाजीपुर जंक्शन, जिसकी डिस्टेंस अप्रॉक्स 7.5 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीने का पानी, यहाँ पे फिल्टर किया हुआ पानी आपको मिलेगा। ये लिच्वी एक्सप्रेस यहाँ पे आके लगी हुई है, जो कि आनंद विहार से चल के आ रही है और सीतामढ़ी तक जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हेल्प यू रेलवे सुरक्षा बल सोनपुर प्राथमिक उपचार केंद्र की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एक नंबर प्लेटफॉर्म के पास। और इधर में गाइज आगे जाइएगा तो आपको शौचालय वगैरह भी दिखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं टॉयलेट आगे में मिलेगा। ये एक और दो नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में ही है, बट मे बी पेबल है, उसमें कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो गाइज ये है 3 नंबर प्लेटफॉर्म, इस साइड में 3 नंबर प्लेटफॉर्म, एंड दिस वन इज प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो गाइज ये देखिए, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये न्यू बनाया गया जो ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, और गाइज यदि आप इस ओवरब्रिज का यूज करते हुए उस साइड उतरिएगा तो शायद सामने में ही सोनपुर का PR कॉलेज पड़ता है। तो गाइज इस स्टेशन पे आपको हमेशा केला ज़रूर मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए केले ले जा रहे हैं ये भाई साहब। तो गाइज यहाँ पे आपको ये सीढ़ी का यूज़ करना होगा, एस्केलेटर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, एस्केलेटर सीढ़ी की सुविधा आपको इस स्टेशन पे नहीं मिलने वाली। राइट नाउ अभी सीधा निकलते हैं बाहर, अब आ गए हम बाहर। तो गाइज फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जैम लगा हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है गाइस।